आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट थ्री, जिसमें केवल आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया यानी ऑब्जेक्टिव। आप अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, ए सी आर इज ए डैश जंक्शन डिवाइस। हमारे ए सी आर में कितने जंक्शन डिवाइस होते हैं? तो इसका हो जाएगा थ्री, थ्री डिवाइस होते हैं। हमारा दो नंबर क्वेश्चन है, इन टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ ए सी आर, यानी इसका हो जाएगा ए सी आर के दो ट्रांजिस्टर समरूपता में हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन एक है बोथ ट्रांजिस्टर आर एन पी एन, बी है बोथ एंड सिस्टर आर एन पी एन, सिस्टर नहीं बल्कि ट्रांजिस्टर है, गलती लिखा गया। सी नंबर ऑप्शन है व्हाट ट्रांजिस्टर इज एन पी एन एंड अदर ट्रांजिस्टर इज एन पी एन पी एन पी, तो इसका हमारा हो जाएगा यहाँ पर व्हाट नहीं होगा वन होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, इस यहाँ पर वन होगा, वन ट्रांजिस्टर इज एन पी एन एंड अदर ट्रांजिस्टर इज पी एन पी, ऑप्शन हो जाएगा सी। तीन नंबर क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई डायरेक्शनल डिवाइस। तो इनमें से जो दिया गया ऑप्शन इसमें बाई डायरेक्शनल डिवाइस कौन कौन है? एक नंबर है हमारा ट्रैक, दो नंबर है डैक, तीन नंबर है एस सी आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ई बोथ, ए और बी दोनों हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चार नंबर क्वेश्चन है हमारा, हमारा चार नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, यानी शिथिल दोलन दोलक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा यूजेटी का, ऑप्शन नंबर बी यूजेटी होगा। पांच नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीसी टू डीसी कन्वर्टर, मतलब नीचे ऑप्शन में जो चार को दिया गया इसमें से कौन सा डिवाइस है जो डीसी से डीसी में कन्वर्ट करता है? तो हमारा जगह चौपर, ऑप्शन नंबर सी। छः नंबर क्वेश्चन है, द टर्निंग ऑफ मेथड ऑफ ए थायरिस्टर बाय सप्लाई वोल्टेज इट सेफ इज कॉल्ड, मान जाइए छः नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इसका द टर्निंग ऑफ मेथड ऑफ ए थायरिस्टर बाय सप्लाई वोल्टेज इट सेल्फ इज कॉल्ड, यानी शॉर्ट वोल्टेज द्वारा थायरिस्टर को बंद करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है नेचुरल कम्यूटेशन, बी है लाइन कम्यूटेशन, सी है बोथ ए प्लस बी दोनों, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ए प्लस सी ए प्लस बी दोनों। सात नंबर क्वेश्चन है, सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर कैन बी ऑपरेट इन, सिंगल फेज डुअल यानी जो सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर जो है वो किस किस पर काम करता है? नॉन सर्कुलेटिंग करेंट मोड, सर्कुलेटिंग करेंट मोड, हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों पर। आठ नंबर क्वेश्चन है, लाइन कम्यूटेशन इज यूज व्हेन, यानी कि लाइन कम्यूटेशन का उपयोग किया जाता है जब, ऑप्शन एक है द वोल्टेज सोर्स इज एसी, यानी कि जब वोल्टेज सोर्स अल्टरनेटिव करंट हो तब, कि वोल्टेज सोर्स डायरेक्ट करंट हो तब, तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जब वोल्टेज सोर्स एसी करंट हो।
नौ नंबर क्वेश्चन है हमारा, द सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर यूज डैश डैश थायरिस्टर एंड डैश डायल, यानी कि सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर में थायरिस्टर कितने होते हैं और डायल कितने होते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4 थायरिस्टर एंड 4 डायोड, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू क्वाड्रेंट चॉपर, निम्नलिखित में से कौन दो क्वाड्रेंट चॉपर है। तो इसका ऑप्शन है टाइप सी, बी नंबर ऑप्शन है टाइप डी, सी नंबर ऑप्शन है टाइप ई। तो हमारा हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, ए प्लस बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी।